बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास है हमारे पास नेटवर्क प्लस की। नेटवर्क प्लस में हम लोग आज पढ़ेंगे डीएचसीपी। डीएचसीपी वैसे मैंने पढ़ानी है आप लोगों को सीसीएनए में, सीसीएनपी में। तो एक लेब हम लोग यहाँ पे नेटवर्क प्लस में भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पैकेट रेसर ओपन कर लेता हूँ। पैकेट रेसर हमारे पास एक सेमुलेटर है। क्या है? सेमुलेटर। सेमुलेटर जो है हमारे पास है वो सेमुलेशन से निकला गया है। सेमुलेशन लैब्स को कहते हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल करना हो आप लोगों ने तो आप इस सेमुलेटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास घर में राउटर ना हो, पीसी ना हो, स्विचेस ना हो, फायरवॉल ना हो एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास, ये हमें यहाँ पे सिस्को कंपनी ने जाके असाइन किया, हमारे जाके बना के दिए। एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ पे कोई स्विच है, लेयर टू स्विच यहाँ पे ले लेते हैं, साथ ही कुछ पीसीस। अच्छा, ये पीसी वन बाय वन, अगर मैं एक पीसी ले आऊँ फिर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। आप जस्ट यू कर लें कि कंट्रोल प्रेस कर लें, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर लें। अब बार बार आपको पीसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम कनेक्शंस के ऊपर आते हैं। अगर आप यहाँ में मैनुअली आप क्या करते हो, यहाँ से आखिर डिफरेंट डिवाइसेस है तो आप स्टेट केबल यहाँ से लेते हैं, लेते हो यहाँ पर फास्ट एंड जीरो बाय वन और इथरनेट के साथ। यू आप यहाँ पे क्या करें, ऑटोमेटिकली कनेक्शन कंट्रोल प्रेस करके ऑटोमेटिकली कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते रहें, फास्ट जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई फोर, ऑटोमेटिकली आसान हो रहा है यहाँ पे। अब ये है सीन, ये है कि ये लेयर टू स्विच है। इसमें जो ये आपके पास यहाँ पे ऑरेंज लाइट नज़र आ रही, इट मीन्स यहाँ पे अम्बरिंग हो रही है। अम्बरिंग मीन्स ये स्विच आपके पास 15 सेकेंड्स लिसनिंग कर रहा है, 15 सेकेंड्स फॉर लर्निंग है और हैज़ वेल आपके पास 20 सेकेंड्स फॉर फॉरवर्डिंग एंड टू हेलो पैकेट्स। तकरीबन 30 से 32 या 32 से 52 सेकेंड तक लग सकते हैं। तो आप इसे जाके यहाँ सिलाई मोड में आ जाए। सिलाई के ऊपर तो मैंने स्विच डायरेक्टली हम सिलाई से एक्सेस कर ली ना हुआ। अगर आपको एक्सेस करना हो रियल टाइम पीसी से तो आप कोई पीसी लगाओगे साथ यहाँ पे कोई कंसोल केबल से। कंसोल केबल के पास स्विच में कंसोल पोर्ट होगा और यहाँ के पास पीसी में कोई भी हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, तो आपके पास एक कॉम पोर्ट का होना लाजमी। कॉम पोर्ट होता है उसमें, कॉम पोर्ट या RS232 से कहते हैं। आप क्लिक कर ले। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से पट्टी हो, सिक्योर CRT हो या टेराटर्म हो या आईपर टर्मिनल हो या सिप टर्मिनल हो, आप इसे एक्सेस कर सकते हो। आप सिर्फ टर्मिनल के ऊपर क्लिक करके ओके कर ले। यहाँ से भी राउटर को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे स्मॉल नज़र आ रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये जब आप फर्स्ट आप स्विच में इन होंगे तो आपके पास जो फर्स्ट मोड आएगा, इस मोड को हम लोग कहेंगे यूज़र एग्जिट मोड या यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। ठीक, आप यहाँ पे क्या कर लें, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क लगा लें। क्या लगा लें? शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके पास, आप इसमें कनेक्ट, डिसेबल, डिसकनेक्ट, ठीक है, इनेबल, कहीं जाके आप इसके ऊपर, मतलब इसमें से आप यानी चंद कमांड लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो टेलनेट के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कमांड इसके ऊपर लगा सकते हैं, सेशन देखने के लिए, सेशन को टर्मिनेट करने के लिए। जस्ट मैं आना चाहता हूँ कहाँ पर, प्रिविलेज मोड के ऊपर। प्रिविलेज मोड में आने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल टर्न ऑन प्रिविलेज मोड। तो जस्ट मैं यहाँ पे इनेबल टाइप कर लेता हूँ। इनेबल टाइप की प्रेस करके ये कंप्लीट आ जाएगा आपके पास। मैं ENA टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ टैप की एंटर। प्रिविलेज मोड में आता हूँ तो प्रिविलेज मोड में मेरे पास कमांड्स, शो कमांड्स, नेटवर्क के सारे ट्रबल शूटिंग के कमांड, शो कमांड यहाँ से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आना पड़ेगा। कहाँ पे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। शो मोड से मैं वापस एग्जिट जाता हूँ प्रिविलेज मोड में। यहाँ से आप शो में यहाँ पे विलेन कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? शो विलेन ब्रीफ। ये इंटरफेस जो है मेरे पास, एक स्विच है, इसमें मेरे पास 24 पोर्ट्स फास्ट इथरनेट के, मतलब 24 पोर्ट्स मेरे पास फास्ट इथरनेट के 2 गीगा की हैं। तो इसको देखने के लिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे 24 पोर्ट्स फास्ट इथरनेट के हैं और 2 मेरे पास गीगा के हैं। अब ये जो सारे पोर्ट्स किसके अंडर आ रहे हैं?
सारे पोर्ट्स मेरे पास इस वक्त एक डोमेन के अंदर आ रहे हैं। इस कंप्लीट डोमेन को, इस एरिया को इन्होंने नाम दिए विलेन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इस विलेन का नाम है विलेन वन, इसको विलेन वन नंबर असाइन की गई है। बाय डिफॉल्ट ये सारे आपके पास यहाँ पोर्ट जो है, ये आपके पास जितने भी पोर्ट्स हैं सारे विलेन वन के अंदर मौजूद हैं। सारे पोर्ट एग्जिस्ट करें कहाँ पे? इन विलेन वन। तो अब मैंने करना यूँ है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने DHCP कॉन्फ़िगर कर लेनी है। IP हम लोगों ने दो तरह से असाइन करी, एक मैनुअली IP असाइन करनी है, एक दूसरी DHCP। DHCP से ऑटोमेटिकली हमारे पास IP एड्रेसेस असाइन होंगे। तो साथ ही यहाँ पे देखें, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे IP एड्रेस, ये एक चीज चेक थी हमारे पास स्टेटिक IP एड्रेस, जो हम लोग मैनुअली IP एड्रेस क्या करते हैं, कन्फिग कर लेते हैं, उसकी कन्फिग्रेशन मैनुअली करते हैं, चाहे नेटवर्क इंजीनियर हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, या आप लोग खुद ही कर ले इसे। एक आपके पास आती है डायनेमिक, ऑटोमेटिकली असाइन इधर बाय द कंप्यूटर इंटरफेस और होस्ट सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या जीरो कन्फिग। मैं चंदी कमांड अभी यहाँ पे करता हूँ, जीरो कन्फिग्रेशन करता हूँ, कोई इतनी ज़्यादा कन्फिग्रेशन नहीं करता, जीरो कन्फिग्रेशन। मगर कोई सर्वर कन्फिगर करना हो माइक्रोसॉफ्ट की, कोई भी सर्वर हो, तो वहाँ पे कन्फिग्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपको स्कोप है, वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा रेंज, उसमें से ऑप्शन कुछ ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो आते हैं यहाँ पे जस्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, IP DHCP यहाँ पे मैं एक पूल देता हूँ, एक रेंज देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पूल का नेम दे देना है, एक स्कोप का नेम दे देना है, जिस जो भी मैंने रेंज डिफाइन करनी है उसी को तो मैंने एक नाम देना है, जो DCP मैंने बनानी है DCP को तो एक नाम मुझे भी देना पड़ेगा, और नाम मैं देता हूँ CCI अकेडमी, एंटर कर लेता हूँ। अब नेटवर्क मैंने क्या देना है, यहाँ पर मैं नेटवर्क कोई रेंज भी देता हूँ, कोई से भी रेंज हो मेरे पास। अगर आप लोगों को सबनेटिंग आती हो तो आप सबनेटिंग को थ्रू कर लें, रेदर देन ना हो आप लोग ऐसे IP, अगर मैं कोई IP असाइन करता हूँ, कम से कम भी IP चाहिए तो मुझे क्लासिक कोई IP एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी। क्लासिक कोई भी IP एड्रेस हो आपके पास आपको असाइन करनी पड़ेगी हमें। तो मैं कहता हूँ मैं छोटा सा सबनेटिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक IP आप लोगों को लिख करके दी थी कि 10.0.0.0, इसमें मैंने करना यूँ है कि यहाँ पे मेरे पास मुझे यहाँ पे 5 से 6 कंप्यूटर की IP चाहिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 कंप्यूटर की IP चाहिए। तो 6 कंप्यूटर के लिए मुझे क्या यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबमिटिंग करना पड़ेगा। सबमिटिंग ये है कि मैं यहाँ पे 255.255 ये क्लास बी की क्या हुई, सबनेट मास्क होगी, ये क्लास सी की सबनेट मास्क होगी। अब अगर मैं यहाँ पे 248 कर लूँ, 248 करूँ तो मुझे कितने 8 IP एड्रेसेस मिलेंगे, कितने 8 में से 2 माइनस होंगे, एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट, तो मैं 6 बचेंगे मेरे पास। ये नेटवर्क मैंने लगा ली, साथ ही मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो आपके पास गेटवे होती है, कोई एड्रेस असाइन करता हूँ, डिफ़ॉल्ट आउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने असाइन करनी है, चले गूगल की कोई DNS देते हैं यहाँ पे, सॉरी गूगल की DNS वहाँ पे डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे एक DNS वहाँ पे एड्रेस है मेरे पास, बल्कि इससे 2 आते हैं मेरे पास DNS, एक आपके पास होती है प्रेबल, यहाँ पे चेक कर ले, 2 एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, Windows 10 है, DNS एड्रेस हम लगाते हैं कहाँ पे, 2 एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या क्या पास, प्रिपेयर DNS सर्वर, आप यहाँ पे A.A.A.8 लगा ले, सेकेंड अल्टरनेट अगर ये डाउन हुआ तो आप A.A.4.4 लगा सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे DNS एड्रेस एक डिफॉल्ट गेटवे में असाइन कर ली, और DNS में असाइन करना चाहता हूँ A.A.4.4 असाइन करना चाहता हूँ, जैसे ने एंटर कर ले, अभी से यहाँ पे एग्जिट कर ले। करना यूँ है कि इसी डिवाइस को तो भी कोई IP एड्रेस असाइन करनी चाहिए, स्विच को, तो मैं स्विच को कोई IP एड्रेस देता हूँ, कहाँ पे दूँ मैं, किस इंटरफेस को दूँ, मेरे पास तो एक कनेक्शन नहीं है, मेरे पास 5 से 6 यहाँ पे PC लगे हुए हैं, होस्ट लगे हुए हैं, 5 से 6 नोड मैंने लगाए हैं,
तो मैंने सिर्फ क्या करना है, एक विलेन को जाके आईपी देने, मुझे यहाँ पे आईपी देने पड़ी कहाँ पे, एक विलेन को, कौन सी विलेन को, उस विलेन का नाम क्या है, उस विलेन का नंबर क्या है। तो आते हैं, उस विलेन का नंबर है हमारे पास विलेन 1, जो कि बाय डिफॉल्ट तमाम इंटरफेसेस विलेन 1 के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस देते हैं यहाँ पे कौन सी, बी केयरफुल, हम लोगों ने सेंड नथिंग की है, 10.0.0.1, सबनेट मास्क क्या होगी, 255.255.255.248। इट मीन्स आपके पास 3 ऑक्टेट चेंज नहीं होंगे, 3 ऑक्टेट चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे चेंज स्टोर यहाँ के पास स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो इस इंटरफेस को नो शट कर लेते हैं, क्या करते हैं, नो शट। तो आते हैं, आप चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बल्कि इस राउटर को नाम, इस स्विच को नाम देते DHCP सर्वर। तो अब फर्स्ट पीसी के पास आते हैं, यहाँ पे यहाँ से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिकली, तो मैं डायनेमिक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। डायनेमिक हो गया क्या आपके पास, कि ये क्लाइंट सर्वर को एक जाके एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, कि आपके पास DCP और क्लाइंट के दरम्यान में एक प्रोसेस चलेगी, उस प्रोसेस को कहते हैं डोरा। क्या कहते हैं, उसे डोरा कहते हैं। डोरा क्या करेगा, सबसे पहले क्लाइंट डिस्कवर करेगा कुछ, फिर सर्वर इसको कोई ऑफर देगा, क्या देगा, अपनी रेंज की कोई ऑफर देगी। फिर क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे आईपी की ज़रूरत है। फिर सर्वर क्या, कंप्लीट रिप्लाई उसको एक एक्नॉलेजमेंट देगा, उसको एक आईपी एड्रेस को दे देगा यहाँ पे, ठीक। इसे कहते हैं डोरा प्रोसेस, क्या कहते हैं, डोरा प्रोसेस। तो आप चेक कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे आईपी की ज़रूरत है। अब अगर DCP फेल हुआ तो क्लास बी के एक आईपी एड्रेस है, जिसे हम लोग आईपी पा कहते हैं, जो रिजर्व की गई, अगर आपके पास DCP फेल हुआ तो देन आईपी पा यूज होगा वहाँ पे। DCP के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, 10.0.0.2, जिसके सबनेट मास्क है 255.255.248, और डिफॉल्ट गेटवे जो मेरे पास आ रही है, डिफॉल्ट राउटर जो मैंने असाइन की थी, A.A.A, जो कि जो क्या के पास गूगल की DNS एड्रेस है, किसकी, गूगल की DNS एड्रेस है। चेक करें यहाँ पे गूगल DNS एड्रेस, यह के पास गूगल DNS एड्रेस है नहीं। तो आते हैं वापस पीसी के पास, ये आईपी मेरे पास असाइन होगी। अब अगर मैं यहाँ पे कितने 2 IP यहाँ पे मिले मुझे, 3 यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे कौन सी IP आनी चाहिए, 3, क्यों, पहले आए पहले पाए, जो रिक्वेस्ट भेजेगा देन उसी को पहले IP मिलेगी, 3 यहाँ पे मिलेगी, 4 जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा 4 उसी को मिलेगी, ठीक। DCP ही ये है कि IP कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती यहाँ पे। मैनुअली में ये हो सकता है, मे भी अगर मैं मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर लूँ तो हो सकता है कुछ या क्या डुप्लीकेशन हो मेरे पास, मैं डुप्लीकेट आईपी एड्रेस असाइन करूँ तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा, आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नेटवर्क में मेरे पास इश्यू बनेगा, उसी पीसी में नेटवर्क मतलब नेट नहीं चल पाएगा, आप नेटवर्क के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे 5 पहले आईपी एड्रेस सारे असाइन कर लेते हैं, इसको आईपी मिली जस्ट पॉइंटर ले जाए जी, इसको 2 मिली, इसको 5, और इसको यहाँ पे 4, इसको यहाँ पे आईपी नहीं मिली अभी तक, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, आईपी 6 मिल गई इसको, यहाँ पे आईपी नहीं मिली इसको, नहीं मिली, और इसको आईपी मिल गई 3। तो अब क्या होगा, मेरे ख्याल से आईपीयां ख़त्म होगी, आईपीयां ख़त्म होगी, क्योंकि आईपी की जो रेंज थी, आईपी रेंज क्या थी कि 10.0.0.0 यहाँ पे स्लैश क्या था 29, तो आईपी 10.0.0.0 मेरे पास नेटवर्क अपीयरेंस 10.0.0.1 फर्स्ट अपीयरेंस
$10.0.6. Last visible appearance $10.0.0.7 broadcast appearance. This key subnet mask 255.255.255.248. अब अगर मैं एक यहाँ पे रिक्वेस्ट और भेजूँ तो मे भी हो सकता है कि फेल हुआ तो आपीपा एड्रेस हमारे पास वेन डी सी बी फेल देन आपीपा बींग यूज वैसे हो या नहीं. तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी डी सी पी की. ठीक, तो ये डी सी पी हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, सी सी एन ए में, सी सी एन पी में और माइक्रोसॉफ्ट एम सी सी में जाके ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं. वहाँ पे आप स्कोप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप पूल, यहाँ पे रेंज के दे देते हो, नेम्स के दे देते हो. यहाँ पे तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ. अस्सलामुअलैकुम.